इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने ऑनलाइन क्लास लेना जब से शुरू किया है मैंने बुक्स पे समय देना बंद कर दिया है। आई नो इफ वी रीड बुक्स इट नॉट ओनली इंक्रीज आवर नॉलेज बट ऑल्सो इनहेंस अदर स्किल्स ऑल्सो। अनदर साइड आई ऑल्सो रियलाइज दैट सेल्फ स्टडी टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और वीडियो देखने से इन्होंने कहा हमारी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो रही है। देखिए ऐसा नहीं है, वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। पहले लोग किताबों से मैथ सीखते थे, अब लोग वीडियो से सीखते हैं। एंड वीडियो इज मोर कन्वीनियंट वे टू लर्न। बट द क्वेश्चन इज आपकी जो लर्निंग किट है उसमें सिर्फ वीडियो नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव सेल्फ स्टडी। वीडियो का पर्पज तो यह है कि कॉन्सेप्ट सीख लिया, वीडियो का काम खत्म हो गया, अब आप उसको दोबारा क्यों देखोगे? अपने नोट्स बनाओ, लात मारो उस वीडियो को, यही रोल है बस वीडियो का। तो आप अगर दिन भर वीडियो देख रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, ना कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। आप किताब पढ़ोगे, आप मुझे बताओ कौन सी किताब ऐसी है आज की डेट में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। आप जब वहां चीजों को देखते हो तो एक तो इसमें ज्यादा बढ़िया इन्वॉल्वमेंट होता है, वीडियो में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। आप मुझे बताओ शुरू में फेसबुक जब आया था लोग टेक्स्ट पोस्ट ज्यादा करते थे, अब कहां टेक्स्ट पोस्ट ज्यादा होता है, ढेर सारे वीडियो आपके फीड में दिखते रहते हैं। वर्ड हैज मूव टू द वीडियो, इट इज मोर इंगेजिंग फॉर्म ऑफ लर्निंग टूडे, यू कैन नॉट अवॉइड वीडियोस। आप वीडियो देखिए अपनी लर्निंग में, बट उसको लिमिटेड देखिए, बाकी टाइम आप सेल्फ स्टडी में दो, आप किताब से ज्यादा प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने से आपकी क्रिएटिविटी नहीं मरती है, बट अननेसेसरी वीडियो मत देखो, ठीक है? फालतू वीडियो मत देखो, प्लान करके काम करो। स्क्रीन टाइम आपका ऐसा नहीं कि दिन में 12 घंटे है, 10 घंटे है, इतना नहीं होना चाहिए। आप लिमिटेड रखो और बाकी टाइम खुद की सेल्फ स्टडी करो। ऐसा कुछ भी वीडियो देखने से क्रिएटिविटी नहीं मरेगी।